हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने लौकी की सब्जी और सादा पराठा कैसे बनाया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक वेसल में तेल गरम करने को रख दिया। उसमें मैंने जीरा, कांदा और हरी मिर्च डाल दिया। मैंने कांदे को तब तक स्टर किया जब तक वो ब्राउनिश कलर में नहीं हो जाता है। मैंने उसमें गार्लिक पेस्ट भी डाल दिया था, हींग डाला मैंने उसमें, कड़ी पत्ता भी डाल दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें उन सब मसालों को मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया। टमाटर को भी हम लोग अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सब मसालों के साथ, और फिर हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, नमक, हल्दी, ये सब मसाले मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। देखिए, मसाले ऐड करने के बाद मैं इसको ठीक से स्टर कर लूँगी। मसाले को भी अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए। मैंने इसमें जीरा पाउडर भी ऐड कर लिया है। आपके पास जो मसाले हैं आप उसमें ऐड कर लीजिए। मैंने फिर इसमें कोथिंबीर भी ऐड कर लिया है और इसको ठीक से मिक्स कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए, उसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर बंद करके रख दिया है। देखिए, आप उसको देख ही सकते हैं, इसकी स्मेल भी बहुत ही अच्छी आ रही है। उसके बाद मैंने लौकी काट के रख दिया था। अब मैं इसको इसमें ऐड कर देती हूँ और हमें लौकी और मसालों को ठीक से मिक्स कर लेना है। आप लौकी में पानी मत ऐड करिए क्योंकि लौकी ऑलरेडी पानी छोड़ देता है। अब हम इसको थोड़ी देर रख देंगे। थोड़ी देर रखने के बाद हम लोग इसको फिर से स्टर कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद स्टर करते रहना है, नहीं तो हमारी लौकी जल जाएगी। देखिए, मैंने थोड़ी देर के लिए इसे रख दिया। अब मैं इसे ओपन कर ले रही हूँ। आप लौकी का कलर देख ही सकते हैं, लौकी में कलर आ गया है। हम इसको ठीक से स्टर कर लेंगे ओपन होने के बाद और फिर से इसको रख देंगे। अब हम, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने लौकी को स्लो आंच में दूसरे चूल्हे पे रख दिया है और पराठे, सादे पराठे मैं बना रही हूँ एक चूल्हे पे। देखिए, मेरा पराठा एकदम फूल गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं दूसरा पराठा बना लेती हूँ। देखिए, मैंने दूसरा पराठा भी बनाने को रख दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देखिए, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए, मेरा ये वाला पराठा भी रेडी हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको बना लिया है। अब आप देख सकते हैं, मैं इसमें थोड़ा घी लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसमें ऑयल भी लगा सकते हैं, मैंने घी लगाया है। देखिए, हमारा पराठे रेडी है। अब मैं पराठा रख देती हूँ। अब आप देख सकते हैं, हमारी लौकी की सब्जी और पराठे रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग जय मां फैमिली व्लॉग।